तो अभी रात को तकरीबन 12 बज रहे हैं और मैंने अभी अभी अपने YouTube चैनल पे जो है ना मॉडल लाइफ स्टाइल वाला चैनल है उसमें मैंने देखा कि कोई क्रिप्टो की वीडियो चल रही है। मैं YouTube देख रहा था तो मेरे इस पे दूसरे चैनल पे आया हुआ है रिकमेंडेशन में कि मैं ये देखूँ। मैंने देखा ये तो मेरा ही चैनल है, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने वापस गया अपने चैनल पर तो मैंने देखा कि एक शॉर्ट्स में भी डली हुई है सेम वीडियो। तो कुल मिला के मेरा ये जो चैनल था वो हैक हुआ है। आई हैव नो फकिंग आइडिया कि किस तरह से हुआ है, क्योंकि टू स्टेप जो वेरीफिकेशन जो वाला जो प्रोसेस होता है वो भी मैंने किया है। मैंने कहीं पे कुछ डाउनलोड नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, मैंने ना कोई लिंक खोला, बट स्टिल मैं फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हुआ कैसे है। वैसे मैंने सब कुछ पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिया, अपना जो कंप्यूटर था वो भी मैंने पूरा पूरा रीसेट कर दिया। मैं भी दिखाता हूँ कौन सी वीडियो है। तो ये है मेरा चैनल और ये जो दो वीडियोज़ हैं ये मैंने नहीं डाली है, बल्कि इन पे जो मोनेटाइजेशन है वो भी ऑफ था। मैंने ऑन कर दिया है कि चलो कुछ आ रहा है तो आने दो फिलहाल के लिए, जब तक मैंने अपना जो पासवर्ड वगैरह रीसेट किया तब तक की चीज़ें हैं, ताकि जो हैकर है उसको ना पता चल जाए कि मुझे पता चल गया ये सब चीज़ें। तो अभी मैं इन वीडियोस को हटाने वाला हूँ, डिलीट करने वाला हूँ। चला के दिखा देता हूँ एक बार कौन सी वीडियो है। Hello everyone. Today I will teach you how to earn 10% profit from arbitration using the BIFTEX exchange. We will use the Solana cryptocurrency. And as you can see, the rate on this exchange. और दूसरी वीडियो है ये शॉर्ट्स में एक मिनट की, और इसके अंदर भी देखो पूरा का पूरा इसने बना के डाला हुआ है, ये डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो टैग्स वाला जो ऑप्शन होता है मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये रहा, ये देखो प्रॉपर टैग्स भी इसने डाले हुए हैं, सब कुछ डाल के इसने ये मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है। तो अभी रात को बैठ के मैं ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहा हूँ, जितने मेरे जीमेल है सबके मैंने पासवर्ड चेंज किए, जितना भी याहू से रिलेटेड है वो भी मैंने चेंज किया। तो कुल मिला के जितने मेरे टोटल पासवर्ड्स थे सारे के सारे चेंज किए मैंने अभी रात को बैठ के। अभी मुझे कन्फर्म नहीं पता ये चीज़ सॉल्व हुई है या नहीं हुई है, पता चल जाएगा अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे तो बैंड बजने वाली है। ये है अंधेरी का रेलवे स्टेशन और यहाँ के पंखे देखो, मतलब मैंने तो कई बार देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मम्मी ने पहली बार देखे ली थी ना। इतनी भीड़ हो रही है आज यहाँ पे कि एक ऑटो तक नहीं मिल रहा जाने के लिए। बंदर उड़ रहा है, यहाँ तो बहुत सारे बंदर उड़ रहे हैं एक्चुअली। इतनी भीड़ ना बीच के इस एरिया पे कभी नहीं होती थी। तो बेसिकली ये सिल्वर बीच है, मतलब जुहू बीच का हिस्सा, उस साइड की तरफ है चौपाटी, लेकिन इतनी भीड़ आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। हमारे पीछे नोवोटेल होटल, सूरज बहुत तेजी से अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, नीचे जा रहा है, डूब रहा है समुद्र में। यहाँ पे समुद्र की लहरों की जो हवाएं आ रही है ना उसमें मेरा बिल्कुल लुक ऐसा हो रहा है अजीब सा, पूरे बाल उड़ गए। मेरे साथ क्या होता है हमेशा, जब भी मैं समुद्री किनारे आऊंगा 10 मिनट के अंदर में छींक आना शुरू हो जाएगी और फिर से वही चीज शुरू हो गया, पता नहीं एलर्जी है क्या। खैर मैं खुद से हमेशा से फील करता था कि पहाड़ी पर्सन हूँ, मतलब पहाड़ों से मेरे को ज्यादा प्यार है और ये चीज वही प्रूव भी हो रहा है। सब यहाँ पागल हो गए, सब रिश्ते में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। रात हो गई है, मतलब ऑलमोस्ट रात हो गई है, इसमें फिर भी ज्यादा रोशनी दिख रही है। तो ये है यहाँ का जुहू चौपाटी और इतनी भीड़ इस वक्त थी। जी के हाथ में एक थाला कट्टा है दो, लेकिन ये खा भी नहीं रही कुछ भी, ये लिया है मैंने खुद के लिए।
मैंने पी के दिखाया सिर्फ, वह चूसने का ही है ये। मैं बड़ा अच्छा अच्छा सा लग रहा हूँ, काले होठ हो गए मेरे, लेकिन कैसा लग रहा है ये। फोटो खींचो क्या? देख मैं फोटो ले रहा था। फोटो ले रहे थे? हाँ। कोई बात नहीं, हो गया। यहाँ पे आंटी चीज हो रही है, इनका शायद बच्चा घूम गया, फोटो दिखा दिखा के घूम गया। तगड़ा ही फोटो शूट चल रहा है। जय मैंने पता नहीं कितना सारा गुटखा खाया हो, बिल्कुल यहाँ से लेके पेट तक बिल्कुल ठंडा ठंडा हो गया है। अरे भैया जो बीच पे आए हो, घोड़ा खाना तो बनता है ना, है ना दाबेली? बात कर दे, जब हम गए थे ना खाने के लिए उस टाइम हमको मिला नहीं था वहाँ पे। तेरे खाई नहीं दाबेली? दाबेली क्या भाई? बर्गर जैसा हो गया वो जुगाड़। लेकिन वो बेटर लगता है उससे, क्या कहते हैं उसको, वड़ा पाव से, मतलब मेरा फेवरेट है दाबेली। आज दिखाऊंगा अगर खाने लगे तो। देख बा मैं नहीं खाने की। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये खोदने लग रहे हैं क्या? हे भगवान, इतना गहरा गड्ढा साहब, ये होता है नजारा। खाएगी इमली मीठी वाली या खट्टी वाली? मीठी वाली, खट्टे वाली, खट्टी वाली दे, नमक डाल के दे देना। हाँ क्या, अरे मजा आ जाएगा ना, मुंह में पानी आ गया। खुशी दीदी ने ले लिया सामान। आए होए होए होए, लाइ मुझे दे दो। अरे अरे भैया, अरे तो आप भी खा लिया, जब मुंह खट्टा हो गया तो। मजा आ गया यार। कटारा, ये ना कटारा तो अभी कैसे खा रही है। जगह जगह पे गड्ढे खोद के चले गए यार। तो आखिरकार आज हम यहाँ पे जुहू बीच पे आए थे घूमने के लिए, लेकिन आते आते काफी लेट हो गया क्योंकि हमें ऑटो ही नहीं मिला भाई साहब। मतलब पहली बार कुछ ऐसा हो रहा था कि एक बार को मन में आया कि पैदल पैदल ही निकल ले हम सारे के सारे। खैर हमें ऑटो मिला और यहाँ पे हम आ गए, वो भी सिल्वर बीच से आए हैं जो चौपाटी की तरफ, क्योंकि इतनी भीड़ और शायद इत्तेफाकन कल ईद थी उसकी वजह से आज ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज फैमिली सेलिब्रेट कर रहे हैं, जगह जगह पे पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। इतनी भीड़ में भाई साहब, यहाँ से हो गया है जाने का वक्त।